साथियों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुजन समाज को जाति के आधार पर बड़े पैमाने पर तोड़ा गया है। इन तोड़े हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश में हम लोग लगे हैं। हमारे कुछ साथी जो बहुजन नायक के कारोबार को देखते हैं, मुझसे इंदौर में मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत से लोग जो जाति के आधार पर तोड़े हुए हैं, अपनी अपनी जाति के संगठन को चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो जो आपने कोशिश शुरू की है कि जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर अल्पजन से बहुजन बनाने का काम जो शुरू किया है, उसमें वो शामिल होना चाहते हैं। इसलिए हम एक दिन का समय नागपुर में हम आपसे चाहते हैं। तो इस तरह से आज का 4 तारीख का ये समय नागपुर के लिए उन साथियों को दिया गया। नागपुर में मैं काफी कुछ देर के बाद, काफी तो नहीं कहना चाहिए, कुछ देर के बाद आ रहा हूं। इसलिए कुछ दूसरे साथियों ने भी प्रोग्राम रखे हैं और मेरी भी ये चाहत रहती है कि थोड़े समय में अगर ज्यादा काम हो सके तो हम कुछ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दूसरे साथियों को भी मैंने कहा कि जब मैं आ रहा हूं तो आप अपना प्रोग्राम थोड़े समय में रख सकते हैं। इस तरह से 2 घंटे के लिए आपका ये प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग अपने प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं। आप लोग मेरे तजुर्बे से भी कुछ सीखना, तो मैंने सोचा ज्यादा समय देना चाहता हूं। लेकिन समय तो एक दिन में, एक रात में 24 घंटे का ही रहता है, उसी में हमें अपने आप को एडजस्ट करके चलना होगा। इसलिए साथियों, मैं समय अभाव के कारण जो प्रबंधक साथी हैं, जो ज्यादा विस्तार से डिटेल में मुझे कुछ बताना चाहते हैं, आप लोगों को भी बताना चाहते हैं, उनको ज्यादा समय न देकर मैं अपनी बात कहने के लिए मजबूर हुआ हूं, क्योंकि अगला प्रोग्राम भी हमारे कुछ और साथी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जिन महापुरुषों के फोटो आप लोगों ने लगाए हैं, उनके संघर्ष के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उनके संघर्ष से जो उपलब्धियां हुई हैं, जो हमारे समाज की बात, मनुवादी समाज व्यवस्था के शिकार लोग जो लंबे अरसे से रहे हैं,
उन लोगों की बात कितनी आगे बढ़ी है और कहां आज खड़ी है और कहां हमारे महापुरुषों के कारवां को हमें पहुंचाना है, ये भी महाराष्ट्र में बहुत लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं और उनसे ही, उनके कार्य से ही मैं सीखकर आगे बढ़ा हूं। महाराष्ट्र से 1966 में जब बॉम्बे में मैंने 4 अधिवेशन रिपब्लिकन पार्टी के देखे और चारों में मुझे क्या देखने को मिला, उससे मैंने काफी बड़ा सबक सीखकर कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश की है। तो सबसे बड़ा सबक मैंने क्या सीखा कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनकी देखरेख में संघर्ष कर रहे थे, उनकी गैरहाजिरी में जिनको संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए था, वो उस संघर्ष को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सब लोगों की बात सुनकर एक ही नतीजे पर हम पहुंचते थे कि ये विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा जिसके कारण हम आगे बढ़े हैं, ये विचारधारा तो ठीक है, सही है, लेकिन कामयाब हो सकते नहीं। विचारधारा तो ठीक है लेकिन कामयाब हो सकते नहीं। तो जिन नेताओं से मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी, मैं उनसे पूछता था कि भाई कामयाबी का मकसद आप क्या समझते हैं, तो उनका कहना था कि इस विचारधारा को अपनाकर हम MLA नहीं बन सकते, हम MP नहीं बन सकते। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई क्या ये बनना जरूरी है, तो उनका कहना था कि ये जरूरी है, इसलिए वो बाबा बाबा करते बापू के पैरों में जा गिरे। नवंबर 1966 में मैंने ये नज़ारा बॉम्बे में देखा और फरवरी 1967 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो उन नेताओं में से पहला नेता एडवोकेट भंडारे थे, जो कांग्रेस के टिकट पर, गांधी जी के टिकट पर 1967 में चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचे। उसके बाद लाइन लग गई और काफी लोगों को कांग्रेस वालों ने एडजस्ट किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम सबको एडजस्ट कर लेंगे, कहीं कोई दूसरी लहर ना पैदा हो जाए, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी को जिंदा रखना भी जरूरी है। सबको कांग्रेस में लेना सही नहीं रहेगा, इनको भी जिंदा रखना जरूरी है और उनके लिए ये बात कहना, बाबा का नाम लेने वाले लोग अगर ये बात कहेंगे कि विचारधारा तो सही है पर कामयाब हो सकते नहीं, अगर बाबा बाबा करने वाले ये बात कहेंगे तो कांग्रेस के हित में, मनुवादी समाज के हित में ज्यादा है,
अगर वो लोग बाबा को छोड़कर बापू के पास आकर मलाई खाते हुए पकड़े जाएंगे, वो बात मलाई खाने वाले अगर कहेंगे कि हो सकते नहीं, तो ज्यादा इसका असर नहीं होगा। ऐसा मैंने महाराष्ट्र में सीखा और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि भंडारे दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब रूपभते और दूसरे जो नेता थे उनके बारे में मैंने सोचा जो बाबा साहब के साथ मिलकर काम करते थे। मुझे लग रहा था कि ये कांग्रेस के नेताओं से कम नहीं है, उनका मुकाबला कर सकते हैं। लायकी के हिसाब से, मिशन के हिसाब से ये इनको उन लोगों का मुकाबला करके अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने लायक हैं, लेकिन ये काम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, उन लोगों की हालत को देखकर, मिशन की हालत को देखकर इस नतीजे पर पहुंचा कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उन लोगों की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए अगर ऐसे समाज की राजनीति को कामयाब बनाना है, तो इस समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना जरूरी है। दूसरा, मैंने ये उस वक्त के इतिहास से सबक सीखा कि इस मूवमेंट को इनिशिएट करने वाले, शुरू करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे, 19वीं-20वीं सदी में जो मूवमेंट बनी और बढ़ी। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन। इसलिए उनके बारे में मैंने सोचा कि एक तो सामाजिक दृष्टि से वो शूद्र और अति शूद्र समाज में इतने ज्यादा गिरे हुए नहीं थे जितने ज्यादा दूसरे लोग गिरे हुए थे या गिराए हुए थे। सामाजिक दृष्टि से माली समाज के लोग जिसमें वो पैदा हुए, वो महार मांग और चमार के मुकाबले में इतने ज्यादा नहीं गिराए गए थे। और आर्थिक दृष्टि से भी वो शूद्र अति शूद्र समाज में संपन्न थे, अपने पैसे से मूवमेंट को चलाने लायक थे। ১৮৪৮ से लेकर 1891 तक जो उन्होंने मूवमेंट चलाई उसको स्टडी किया, फिर 1892 से 1922 तक छत्रपति शाहू महाराज की हालत को मैंने समझने की कोशिश की। ये सामाजिक दृष्टि से वो
गिराए हुए समाज में तो पैदा हुए, लेकिन दूसरों के मुकाबले में कम गिराए हुए समाज में वो पैदा हुए। सामाजिक गैर बराबरी का वो कम शिकार थे दूसरों के मुकाबले में, और आर्थिक दृष्टि से वो एक महाराजा होने के कारण, छोटे से राज्य का महाराजा होने के कारण, तो आर्थिक दृष्टि से भी वो गैर बराबरी का, आर्थिक गैर बराबरी का बड़ा शिकार नहीं थे। इसलिए सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के कम शिकार होने के कारण 1848 से 1923 तक ये मूवमेंट जो आज हम चला रहे हैं, या 1822 से लेकर 1956 तक जो बाबा साहब ने चलाई, उससे पहले 75 साल तक इस मूवमेंट को उन लोगों ने चलाया जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कम गिराए हुए थे। इसका मतलब ये मूवमेंट चलाने की स्ट्रेंथ उनमें थी। जो अछूत लोग थे उनमें वो सामाजिक और आर्थिक स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसको चला सकें। इसलिए पहले 75 साल तक ये मूवमेंट महाराष्ट्र में फूले और शाहू ने, और दक्षिण भारत में नारायण गुरु और पेरियार ने या और उनके साथियों ने, जो शूद्र समाज के लोग थे उन लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया। 1922 के बाद ये मूवमेंट जब आगे बढ़ी तो बाबा साहब अम्बेडकर की देखरेख में ये मूवमेंट आगे बढ़ने लगी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जिस माली और कुनबी ने थोड़ा बहुत सहयोग फुले और शाहू को दिया, उतना भी सहयोग उनका बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा गिराए हुए थे। वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा गिराए हुए थे, इसलिए जो कम गिराए हुए लोग हैं वो ज्यादा गिराए हुए लोगों को सहयोग देना पसंद नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन के बारे में अंग्रेजों को रजामंद किया तो इसी आधार पर उन्होंने रजामंद किया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग ऐसे इतने ज्यादा गिराए हुए लोग हैं कि शूद्र समाज के लोग भी उनको वोट देना और वोट देकर उनको असेंबली पार्लियामेंट में भेजना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इनके लिए सीटें भी रिजर्व होनी चाहिए और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अंग्रेज क्यों रजामंद हुए कि इनके अपने वोट से ही, इनके अपने समाज के वोट से ही इनको असेंबली और पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तो नहीं हुआ। 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट हमने पूना में गवाई। जुलाई 1942 में नागपुर में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग में ऐलान किया कि मैंने दूसरा रास्ता ढूंढा है,
जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं पा सके हैं तो सेपरेट सेटलमेंट का रास्ता मैंने ढूंढा है और अंग्रेजों को रजामंद किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद हमारे लोगों के सेपरेट सेटलमेंट बनाए जाने चाहिए। अंग्रेजों ने मुझसे कहा है कि 20 साल के अंदर हम ये काम पूरा कर देंगे और मैंने मान लिया है कि जो लोग हजारों साल से गिराए गए हैं तो 20 साल उनके लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। ऐसा नागपुर में बाबा साहब ने ऐलान किया जुलाई 1942 में। लेकिन वर्ल्ड वार खत्म हुई, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। पहली स्कीम सेपरेट इलेक्टोरेट की फेल हुई, दूसरी सेपरेट सेटलमेंट की फेल हो गई। जिन लोगों के हाथ में अंग्रेज सत्ता देकर गए उन लोगों से के सामने ये बातें मैं तो जानता नहीं हूं, आप में से लोग जानते होंगे कि उन लोगों के सामने ये सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट सेटलमेंट की बात बाबा साहब ने रखी या नहीं रखी। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज से पता चलता है कि उन्होंने धीमी आवाज में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात तो रखी। जिन लोगों ने 1932 में नहीं मानी तो 1946 में भी नहीं मानी। अब सेपरेट सेटलमेंट की बात के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमेशा मैं कोशिश में रहता हूं कि मुझे कुछ पता चल सके। और आजकल मैं बहुत तेजी से कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कुछ पता चल सके कि बाबा साहब क्या सोचते थे सेपरेट सेटलमेंट के बारे में। आजकल मैं क्यों सोचता हूं ज्यादा कि बाबा साहब जिंदा नहीं रहे, लेकिन जो लोग देहातों में दुखी थे, जिनकी जरूरत थी सेपरेट सेटलमेंट की, उन्होंने वो जरूरत अपने आप पूरी की। कैसे? देहात छोड़कर वो शहरों में आ बसे। इस हालत में गंदे नालों के किनारे, रेल की पटरी के किनारे, सड़कों के किनारे, ऐसी ऊंची नीची जगह जहां लोग रहना पसंद नहीं करते, वहां वो देहात छोड़कर सेटल हो गए। इसलिए आज गवर्नमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे 15 करोड़ लोग हैं। अंग्रेज जाने के बाद आज तक ऐसे 15 करोड़ लोग हैं जो देहात छोड़ने पर मजबूर हुए और शहरों के झोंपड़ों में सेटल होने पर मजबूर हुए। तो सेपरेट सेटलमेंट तो हुए, लेकिन किस हालत में हुए वो भी सोचने वाली बात है, वो भी एक समस्या खड़ी हुई है, उसका भी समाधान करने वाली बात है। इसलिए साथियों, तो हमारे बुजुर्गों के संघर्ष से सबक सीखकर मैंने एक सोच बनाई और एक उस सोच के आधार पर एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूला का नाम है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 forces, मल्टीपल ऑफ 3 factors।
वो फार्मूला क्या है, n इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज। हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण बदलाव आया है, हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण बदलाव आया है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद वो बदलाव रुका है, संघर्ष रुका है, और संघर्ष न होने के कारण वो बदलाव रुका है। अगर वो बदलाव हमें मंजिल तक उसको पहुंचाना है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी का अंत करें। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में जो कमी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखी कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं, राजनीति में बराबरी होगी, एक आदमी का एक वोट होगा, एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दिशा में वो गैर बराबरी जो हजारों साल से ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर चल रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी। इस गैर बराबरी के चलते हुए, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के चलते हुए हम लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही मैं महाराष्ट्र से देखकर सीखकर उत्तर भारत में गया कि ये लोग राजनीति में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जिस समाज को ये बेस बनाकर चल रहे हैं वो समाज सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से गिरा हुआ समाज है, गिराया हुआ समाज है। सामाजिक दिशा में, आर्थिक दिशा में गिरा हुआ रहने के कारण जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को उनका काम मुश्किल है, और उस मुश्किल को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गिरा हुआ समाज समझ नहीं रहा है। मैंने उस बात को समझने की कोशिश की, मैंने उस बात को समझने की कोशिश की और समझकर हल ढूंढने की कोशिश की, इसलिए उस वक्त मैंने महाराष्ट्र में रहते हुए ही बामसेफ नाम का संगठन बनाया था। क्यों? जो मैंने फार्मूला बनाया n इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज, उसमें बाबा साहब के जमाने में n और d तो थे लेकिन s बड़ी मुश्किल से वो पैदा करते थे, और अंग्रेज उनकी बात को सुनकर समझकर हमारे समाज को न्याय देने की कोशिश करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब अंबेडकर की कोशिश के कारण आज समाज के पास एस है, आज समाज के पास स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ फुले के पास थी, जो स्ट्रेंथ शाहू के पास थी, उस स्ट्रेंथ का सहारा लेकर जो उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जो स्ट्रेंथ बाबा साहब के पास नहीं थी
जैसा तैसा करके थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ पैदा करके उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण, फुले शाहू अम्बेडकर के संघर्ष के कारण इस समाज में स्ट्रेंथ पैदा हुई है। इस समाज में स्ट्रेंथ पैदा हुई है लेकिन बिखरी हुई है। अगर इस बिखरी हुई स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जाए तो N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज, तो हम चेंज की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को मैं जेब में रखता हूं हमेशा, इस तरह से खड़ा है। तो इन लोगों के पास हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण स्ट्रेंथ पैदा हुई, जिस स्ट्रेंथ को हम ऐसा वर्टिकल सोशल ऑर्डर को, तो अगर इस किस्म का ऑर्डर हमें चेंज ऑर्डर लाना है, परफेक्ट इनइक्वालिटी से परफेक्ट इक्वालिटी का ऑर्डर हमें लाना है, तो N इंटू डी इंटू एस मस्ट कम इंटू ऑपरेशन। N स्टैंड्स फॉर नीड, इसीलिए जो बदलाव की जरूरत है वो सबसे ज्यादा इन लोगों को है, जो सबसे ज्यादा गिराए गए हैं। इसलिए जब मैं बहुजन समाज बनाता हूं तो इधर से ऊपर को जाता हूं, इधर से नीचे से ऊपर को ग्रेजुअली हम जाते हैं। और जिनको ज्यादा जरूरत है चेंज की, वो लोग पहले रजामंद हो जाते हैं, उनमें पहले डिजायर पैदा हो जाती है चेंज के लिए। N इंटू डी, डी फॉर डिजायर, N फॉर नीड, डी फॉर डिजायर, उनमें पहले डिजायर पैदा हो जाती है कि ऐसा तो ठीक नहीं है, हमें हम गिरे रहें, ऐसी पोजीशन ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। तो इसलिए N इंटू डी तो बाबा साहब के जमाने में थे, लेकिन S वॉज मिसिंग। और S जो है फुले शाहू अम्बेडकर के संघर्ष के कारण, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के 1930 से लेकर 1956 तक का जो संघर्ष है उसके कारण स्ट्रेंथ पैदा हुई। ये स्ट्रेंथ कैसे पैदा हुई? जिन लोगों को हजारों साल से पढ़ना लिखना मना था वो मनाही दूर हुई इन लोगों के संघर्ष के कारण। और पहले मनाही दूर हुई, फिर इनको पढ़ने लिखने का मौका मिलने लगा, और 1935 में जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दो शेड्यूल बने, उसमें इन लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल कोशिश हुई अंग्रेजों के राज में इनकी गिरावट को दूर करने के लिए 1935 के इंडिया एक्ट के बाद। 1935 का जो संविधान बना उस संविधान में दो शेड्यूल रखे गए, और उनके आधार पर 1935 के बाद पढ़ाई लिखाई के मामले में इनके बारे में ज्यादा सोचा गया। और आरक्षण के मामले में भी सोचा गया,
इसलिए 1948 में पहला साल है जब अछूत कहे जाने लोगों में चार व्यक्ति सेलेक्ट हुए, के आर नारायणन और एक चंडाल, केरला का पलाया और बंगाल का एक चंडाल, क्या नाम है भाई, मैं बार बार बोलता हूँ भूल जाता हूँ, है आपको याद, चंडाल मौजूमदार, बंगाल का चंडाल जिसका नाम मौजूमदार है, आज भी जिंदा है, मेरे से कभी कभी मिलता रहता है, और के आर नारायणन जो आज राष्ट्रपति है, ये दोनों इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हुए। पंजाब के दो चमार, एक आईएएस में और एक आईपीएस में सिलेक्ट हुए 1948 में। उसके बाद 1949, 50, 60, 56, 1962 तक इनका नंबर बढ़ता गया। 1962 का पहला साल है जब 22.5% कोटा जो रिजर्वेशन का था वो पहली बार पूरा हुआ। 1962 के बाद आज तक वो कम नहीं हुआ है, ज्यादा ही होता रहा। इसलिए आज ब्राह्मण जो इस देश का हुक्मरान बना अंग्रेज जाने के बाद, उस हुक्मरान की का जो जो हुक्मरान लोग थे, उस जाति नहीं, ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, ये चार वर्ण, ब्राह्मण का जो वर्ण है उस वर्ण के लोग तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग उनसे दूसरे नंबर पर आगे बढ़े। आज 30 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारी हैं जिनको पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा उसमें सहूलतें भी मिलने लगी। जो हैंडीकैप लोग थे वो प्रिविलेज्ड लोग हो गए संघर्ष के कारण। उस प्रिविलेज के कारण, चाहे वो प्रिविलेज पढ़ने लिखने का है या रिजर्वेशन का है, उसके कारण ये लोग 30 लाख से ज्यादा आज पढ़े लिखे कर्मचारी हैं और ब्राह्मण से दूसरे नंबर पर अधिकारी हैं। तो आज नहीं, आज से लगभग 20-25 साल पहले जब मैं पूना में था तो मुझे ऐसा लगा, उस वक्त ये लगभग 15 लाख इनकी संख्या होगी, उस वक्त मुझे लगा कि ये लोगों को हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण समाज में ऐश तो पैदा हुआ है, स्ट्रेंथ तो पैदा हुई है, लेकिन बिखरी हुई है। 15 लाख एजुकेटेड एम्प्लाइज ये पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब इनका दिमाग है, इनके पास कुछ दिमाग है, इतना दिमाग है कि कुछ समझने लायक बने हैं, और उनमें से कुछ टीचर भी बने हैं, समझाने लायक भी बने हैं। इनके पास दिमाग है, और मैं जब कभी दिल्ली जाता था तो दिल्ली में मुझे दो डायरेक्टर मिलते थे जो प्लानिंग कमीशन में शेड्यूल कास्ट के थे, डायरेक्टर थे प्लानिंग कमीशन में, तो उनसे मैं मिलकर सोचता था, और सोचते सोचते मैं उनसे कहने लगा कि भाई आप लोग के पास हुनर है, आप लोगों के पास बहुत डेटा है, बहुत हुनर है, और उस हुनर का इस्तेमाल करके आप देश के लिए प्लानिंग बनाते हैं।
लेकिन आप जिस समाज से पैदा हुए हैं और ऊपर उठे हैं उस समाज के बारे में कोई प्लानिंग नहीं बनाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा देती है इसलिए आप एक नौकर की हैसियत से देश भर के लिए प्लानिंग बनाने लायक हैं। इसका मतलब आप मर्सनरी हैं, पैसा लेकर प्लानिंग बनाने लायक हैं। लेकिन अगर मिशनरी भावना पैदा हो जाए आप लोगों में तो मिशनरी बनकर आप लोग अपने समाज के लिए भी बढ़िया प्लानिंग बना सकते हैं। वैसे भी मैंने सोचा कि अगर पढ़ लिखकर कोई कलेक्टर बनता है तो इसका मतलब उसमें हुनर है एक जिले को संभालने के लिए। अगर कोई एसएसपी बनता है तो जिला भर में उसके पास हुनर है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। या कोई इंजीनियर है उसके पास उस किस्म का हुनर है, कोई डॉक्टर है उस किस्म का है, प्लीडर है उस किस्म का है। इसलिए हमारे समाज में दिमाग, हुनर और इन सब लोगों को रेगुलर तनख्वाह मिलती है। इसका मतलब पैसा भी है इनके पास। दिमाग, हुनर और पैसा, अगर ये बिखरा हुआ दिमाग, हुनर और पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो इस समाज की राजनीति कामयाब हो सकती है। इस समाज की राजनीति कामयाब हो सकती है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीति जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं होती, नहीं हो सकती है। ये मैं महाराष्ट्र से सीखा और सीखकर जब मैं उत्तर भारत में चला गया तो इसी तरह से मैं सोचता रहा। सोचकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई दिमाग, हुनर और पैसा ये तीनों तो इस समाज के पास है लेकिन जो लोग दिमाग वाले हैं, हुनर वाले हैं वो एंटी सोशल हैं। वो एंटी सोशल हैं। दिमाग वाले, हुनर वाले लोग राजनीति में भी हैं। और दिमाग वाले, हुनर वाले राजनीति में लोग जो हैं वो अपना दिमाग और हुनर का फायदा लेने के लिए वो दूसरे समाज के चमचे बनना पसंद करते हैं। क्योंकि उनको भरोसा है कि उनका इतना दिमाग, इतना उनके पास हुनर नहीं है कि वो दूसरों के मुकाबले में खड़े हो सकें, कामयाब हो सकें। इसलिए वो चमचे बनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब जब दिमाग और हुनर वाले राजनीतिक लोग चमचे बन जाते हैं दूसरों के तो जो दिमाग और हुनर वाले पढ़े लिखे कर्मचारी हैं वो भी अपने दिमाग और हुनर का फायदा अपने लिए लेना चाहते हैं। इसलिए वो चमचों के चमचे बन जाते हैं। वो अपना हित तो सुरक्षित करने के लिए वो चमचों के चमचे बन जाते हैं। जैसे लंबे अरसे तक आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर इनसे क्यों दुखी थे, आखिरी दिनों में वो कहते थे कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि वो सोचते थे कि ये समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन बाबा साहब के पीछे भी ये पड़े रहते थे कि बाबा साहब हमारा प्रमोशन, हमारा ट्रांसफर,
हम इस पोस्ट पर चले गए हैं, लेकिन जहां इन्होंने पोस्टिंग किया है वहां पैसा कम है, जहां इन्होंने पोस्टिंग किया है वहां पैसा कम है, तो बाबा साहब भी चले रहते होंगे। मुझे दिल्ली में अभी कुछ जानकारी हुई है पुराने लोगों से कि बाबा साहब ज्यादातर इन लोगों के लिए चले रहते किसी न किसी मंत्री के पास। तो भाई इसका ये ट्रांसफर का देखें, थोड़ा इसका प्रमोशन का देखें। लेकिन बाबा साहब की तो कोई सरकार नहीं थी, उनके स्टेचर के हिसाब से कोई ओबलाइज कर देता था, लेकिन ज्यादातर तो वो बाबा साहब से नफरत ही करते थे। तो भाई अगर ये इसको किसी अच्छी जगह प्रमोशन दिला रहा होगा, अगर किसी अच्छी जगह प्रमोशन दिला रहा होगा तो शायद इससे पैसा लेता होगा, पैसा तो चाहिए था। अब मेरे पास भी बहुत से लोग आते रहते हैं, तो भाई हमारा प्रमोशन अभी एक ONGC में डायरेक्टर था, वो उससे बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। वैसे तो मुझे खुशी थी कि भाई हमारे लोग अभी बड़े अधिकारी बन रहे हैं, अच्छी बात है, जब हम रूलर बनेंगे वो हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन रूलर बनना भी तो मुश्किल हो जाता है, उनके सहयोग के बगैर रूलर बनना भी मुश्किल है। तो इस तरह से उत्तर भारत में मैंने, खासकर उत्तर प्रदेश में मेरा तजुर्बा था कि जितने अधिकारी थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के जो शेड्यूल कास्ट के चमचे थे उनके ये लोग चमचे थे, चमचों के चमचे ये लोग बने हुए थे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कई बार मैंने देखा कि भाई एक आदमी, एक पढ़ा लिखा कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अभी भी चक्कर मार रहा है उल्लू सीधा करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, यार तू काफी देर से ये उल्लू को लेकर घूम रहा है, अभी तक सीधा नहीं हुआ? नहीं साहब, अभी तक सीधा नहीं हुआ। जब तक उल्लू सीधा नहीं होगा तब तक वो यानी चमचों के पास चक्कर मारता रहेगा। जो लोग राजनीतिक नेताओं को सहारा बनना चाहिए था वो उनके लिए बोझ बन गए। पढ़े लिखे कर्मचारी और अधिकारी, खासकर उत्तर प्रदेश में मेरा तजुर्बा था कि भाई जो अधिकारी है, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, ये उसका धंधा है कि हमारा विरोध करे। हमने बहुजन समाज पार्टी तो बना ली, लेकिन ये पार्टी कामयाब ना हो, बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने उनको इस्तेमाल किया, तो भाई आगे कैसे बढ़ा जाए। महाराष्ट्र से मैं सीख के तो चला गया कि गैर राजनीतिक जड़े मजबूत किए बगैर राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और महाराष्ट्र के जो राजनीतिक थे उन्होंने ऐलान कर दिया, 1966 में पहली बार ऐलान किया बॉम्बे में इकट्ठे होकर कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो शक्त नहीं। 1966 से लेकर 1996 तक मैंने देखा, 1996 तक क्यों देखा, क्योंकि 1996 में मैंने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का रूप दे चुका था।
बहुजन समाज पार्टी 1996 में पहली बार राष्ट्रीय पार्टी बनी। 1966 से 1996 तक 30 साल के समय में जो एक मामूली सी बात शुरू हुई थी वो 1996 में मैंने देखा कि महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है। महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है और बनकर दक्षिण भारत में छा गई है। जहां जहां बाबा साहब को मानने वाले लोग थे उन सब के ऊपर वो उसने घर कर लिया है। और वो लहर क्या थी, उस लहर का नाम क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो शक्त नहीं। महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा चिल्लाने लगा कामयाब हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं। ये आज एक लहर है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र से नीचे दक्षिण भारत में जहां से संघर्ष शुरू हुआ, छुआछात के खिलाफ संघर्ष हुआ, पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष शुरू हुआ, आरक्षण के आधार पर हमारे लोग आगे बढ़ सके उसके लिए संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष की लहर बनी। लेकिन 1966 में तो काउंटर लहर शुरू हुई और आज वो टॉप में जा रही है। आज वो टॉप में जा रही है कि हो शक्त नहीं भाई, बच्चा बच्चा महाराष्ट्र में चिल्लाता है कि हो शक्त नहीं। और लकीली जहां कोई संघर्ष नहीं हुआ, जहां समाज के हित में कुछ भी नहीं हुआ, आज उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में एक दूसरी लहर चल रही है। उस लहर का नाम क्या है, हो शक्त है भाई, हो शक्त, हो शक्त है। अब हमने सोचा कि भाई हो शक्त तो हम कहते हैं, मैं कहता हूं, लोग मेरी बात मानते हैं, लेकिन इसको करके तो दिखाना चाहिए, इसको करके तो दिखाना चाहिए। जो मैं महाराष्ट्र में कहता था कि भाई हम राजनीतिक सत्ता की एक गुरु किल्ली है, ये भी बाबा साहब ने हमें कहा, इस गुरु किल्ली को हासिल करके हम जिंदगी के हर पहलू में कोई भी ताला खोल सकते हैं। इसलिए मैं महाराष्ट्र में, जब मेरा लिंक था महाराष्ट्र से, काम तो मैं उत्तर भारत में करता था लेकिन महाराष्ट्र में आता जाता था, और यहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए मराठवाड़ा में, जहां उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। बाबा साहब के फॉलोअर्स ने कड़ा संघर्ष किया इसलिए कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और जब मैं देखता था कि क्या कुछ हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर आप लोग राजनीतिक सत्ता नहीं ले सकते हैं तो राजनीतिक क्लाउट भी अगर बना ले, अगर राजनीतिक एक शक्ति आपकी नजर आए तभी ये काम बन सकेगा। लेकिन महाराष्ट्र में तो लोग ज्यादा होशियार थे, होशियारी दिखाते गए, लोगों को मरवाते गए। एक बार मैं नागपुर में इधर था, मेरा बामसेफ या बीएसपी का, कोई बीएसपी का था शायद, नहीं एक हमारा एक बीएसपी का शायद वो था, बीएसपी का था या बामसेफ का था सेकंड, हाँ एक सेशन था हमारा, तो मैं नागपुर में था जब वो इधर गोली चली तो 4-6 लोग मारे गए और काफी लोग फट्टड़ हो गए,
6 दिसंबर को था शायद, हैं, बाम सेफ का था शायद। तो उस वक्त भी मैं सोच रहा था कि भाई ये लोग तो मारे जा रहे हैं, लोगों की भावना है वो भावना के बस वो तड़प रहे हैं, लेकिन कुछ बन तो नहीं रहा है। तो इसलिए उस वक्त भी मेरा अपने बामसेफ के साथियों से कहना था कि भाई पॉलिटिकल क्लाउड के बगैर ये यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। अगर पॉलिटिकल क्लाउड हम बना ले, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नजर आया 1989 में, तो 1989 में राजीव गांधी ने 1989 के चुनाव से पहले 14 अप्रैल को 1989 को लखनऊ में 6 एकड़ जगह एक्वायर करके तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। एक स्टैचू, क्या यूनिवर्सिटी क्या थी? जब हमारे हाथ में सत्ता आई तो मैंने यूनिवर्सिटी देखने गया, तो यूनिवर्सिटी क्या थी? एक बाबा साहब का स्टैचू और उसके साथ एक बैरक, और बाकी 6 एकड़ जगह में घास, और घास में गाय भैंसे चल रही। जब हमारी सरकार बनी थोड़े समय के लिए मैं देखने गया तो मैंने सोचा ये कौन सी यूनिवर्सिटी, ये तो गाय भैंस की यूनिवर्सिटी है। गाय भैंस के लिए हॉस्पिटल होता है ये तो सुना है हमने, ये आदमियों के लिए हॉस्पिटल, ये वेटरनिटी हॉस्पिटल है। अब गाय भैंस के लिए यूनिवर्सिटी तो पहली बार देखी है मैंने। तो इसलिए तो मैंने मायावती से कहा कि भाई अब तो मुख्यमंत्री बन गई है, अब मैंने यूनिवर्सिटी भी देखी है 6 एकड़ में, और उसके सामने ये 270 एकड़ में राजीव गांधी के नाम पर एक इंस्टीट्यूशन बना है। तो इसलिए उसके सामने अब बहुत जमीन खाली पड़ी है, तो इसलिए वो जमीन एक्वायर करके तो उसको चार चपहरे दीवार बना देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी तो बाद में बनाए देखेंगे, लेकिन कम से कम वो जगह जो है गाय भैंस से तो दूर रखनी चाहिए। जब स्टूडेंट आएंगे वो उसका थोड़ा और समय लग जाएगा, लेकिन कम से कम इसको तो हम लोगों ने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके उसके चारों तरफ चार दीवारी बनाई। और उसके बाद जब दोबारा सरकार आई तो तब तक हमने उसको या उसी समय पे उसको चालू करा दिया था, क्योंकि ये के आर नारायणन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इसके हाथ से उसका उद्घाटन हमने कराया था जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए तो दूसरी बार में महाराष्ट्र में 94 में आया, तो और जब मैं महाराष्ट्र में आता हूँ कोल्हापुर जरूर जाया करता था, तो मैंने छत्रपति शाहू महाराज के स्टैचू पर माला अर्पण करने के लिए गया, तो उधर जो कुनबी लोग हैं तो वो उधर चिल्ला रहे थे कि भाई शाहू के नाम पर भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पूना यूनिवर्सिटी के बनाने में उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसलिए पूना यूनिवर्सिटी का नाम दे देना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई होना तो चाहिए, पर इधर तो अभी लहर चल रही है कि हो सकते नहीं, तो ये हो सकते की लहर में तो ये होना मुश्किल है। लेकिन इतने में बाल ठाकरे उधर गए, उन्होंने कहा कि पेपरों में आ गया कि कांशीराम को इन लोगों ने, तो मैंने सोचा कि बड़ी खुशी की बात है अगर बाल ये आज तो ठाकरे इस हालत में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी पावर में आ जाएगा, तो पावर में आते ही करेगा। लेकिन इतने में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये महाराष्ट्र में तो जहां लहर चल रही है तो वहां तो पता नहीं कितनी देर लगेगी,
तो इसलिए मैंने जहां छत्रपति शाहू महाराज कानपुर की एक कुर्मी महासभा को एड्रेस करने के लिए गए थे एक दिन के लिए 1919 में, तो वो जगह मैं कभी कभी विजिट किया करता था। तो मैं दोबारा गया तो देखा कि उधर हजारों एकड़ जगह अभी भी खाली पड़ी है। तो हम लोगों ने तो 200 एकड़ जगह एक्वायर करके तो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बना दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाले हैं वो रॉन्ग संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब कामयाब नहीं हो सकते हैं तो चिल्लाते हैं हो शक्ति नहीं, हो शक्ति नहीं। एक लहर बना दिया, लहर खड़ी कर दी उन्होंने हो शक्ति नहीं की। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हो शक्ति है। हम लोगों ने जो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को धोखा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, तो उसकी जगह वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी थी कि ना स्टेट वाले देखें ना सेंट्रल वाले देखें, ऐसे ही 6 एकड़ की जगह में घास फूस उगता रहे। उधर हमने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो हम नहीं बदल सके क्योंकि वो तो केंद्र की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने आगरा में स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई अंबेडकर के नाम पर, और कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर। और बरेली में फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। 200 एकड़ से लेकर 300 एकड़ जगह एक्वायर करके हमने ये यूनिवर्सिटियां जिनमें महाराष्ट्र वालों की चाहत थी वो बनाई। चाहत महाराष्ट्र वालों की पूरी हमने यूपी में की। फिर मैंने सोचा कि भाई महाराष्ट्र में तो अभी बुद्ध शरणम भी हो रहा है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर हमने एक जिला बनाया था दिल्ली से लगा हुआ, तो उसमें भी हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई कि कहीं बुद्ध शरण वाले नाराज ना हो जाएं कि भाई बुद्धा के नाम पर नहीं बनाई, कहीं वो एजिटी आंदोलन अपना हो शक्त नहीं आंदोलन न शुरू कर दे। तो इसलिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ एमएलए एमपी ही नहीं, सरकारें भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि बड़ी खुशी की बात है अगर बाल ये आज तो ठाकरे हालत में नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी पावर में आ जाएगा, तो पावर में आते ये करेगा। लेकिन इतने में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये महाराष्ट्र में तो जहां हो शक्ति की लहर चल रही, हो शक्ति नहीं लहर चल रही है, तो वहां तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो इसलिए मैंने जहां छत्रपति शाहू महाराज कानपुर की एक कुर्मी महासभा को एड्रेस करने के लिए गए थे एक दिन के लिए 1919 में, तो वो जगह मैं कभी कभी विजिट किया करता था। तो मैं दोबारा गया तो देखा कि उधर हजारों एकड़ जगह अभी भी खाली पड़ी है। तो हम लोगों ने तो 200 एकड़ जगह एक्वायर करके तो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बना दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाले हैं वो रॉन्ग संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब कामयाब नहीं हो सकते हैं तो चिल्लाते हैं हो शक्ति नहीं, हो शक्ति नहीं। एक लहर बना दिया, लहर खड़ी कर दी उन्होंने हो शक्ति नहीं की। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हो शक्ति है। हम लोगों ने जो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को धोखा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई,
तो उसकी जगह वो सेंटर की यूनिवर्सिटी थी कि ना स्टेट वाले देखें ना सेंटर वाले देखें, ऐसे ही 6 एकड़ की जगह में घास फूस उगता रहे। उधर हमने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो हम नहीं बदल सके कि वो तो केंद्र की यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमने आगरा में स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई अंबेडकर के नाम पर, और कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर, और बरेली में फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। 200 एकड़ से लेकर 300 एकड़ जगह एक्वायर करके हमने ये यूनिवर्सिटियां जिनमें महाराष्ट्र वालों की चाहत थी वो बनाई। चाहत महाराष्ट्र वालों की पूरी हमने यूपी में की। फिर मैंने सोचा कि भाई महाराष्ट्र में तो अभी बुद्धम सरनम भी हो रहा है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर हमने एक जिला बनाया था दिल्ली से लगा हुआ, तो उसमें भी हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई कि कहीं बुद्धम शरण वाले नाराज ना हो जाएं कि भाई बुद्धा के नाम पर नहीं बनाई, कहीं वो एजिटी आंदोलन अपना हऊ शख्स नहीं आंदोलन ना शुरू कर दें। तो इसलिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ एमएलए एमपी ही नहीं, सरकारें भी बना सकते हैं, और सिर्फ स्टेट लेवल की पार्टी नहीं बल्कि नेशनल पार्टी भी बना सकते हैं। नेशनल पार्टी कैसे बनती है, उसका कुछ क्राइटेरिया है इलेक्शन कमिश्नर का, अभी अभी सीपीएम का नेशनल पार्टी का स्टेटस चला गया है। पहले वो नेशनल पार्टी थी, जब हमारी पार्टी नेशनल बनी तब कांग्रेस पहले नंबर की नेशनल थी, बीजेपी दूसरे नंबर की और सीपीएम तीसरे की और बीएसपी चौथे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन अब उनका स्टेटस चला गया है तो हमारी पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। अब मैंने ऐसा सोचा है कि जब हो शक्ति की लहर चलाकर हम लोगों ने नेशनल पार्टी हो शक्ति है ये दिखा दिया है, 4 राज्यों में 5 राज्यों में मान्यता प्राप्त करके ये दिखा दिया है, अब हमारा लक्ष्य है कि जहां जहां हमने 6% से ज्यादा वोट हासिल करके मान्यता प्राप्त की है, अब वहां मान्यता नहीं वहां राजपाठ होना चाहिए, बहुजन समाज का राज होना चाहिए जहां जहां हम मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए ये भी हो सकता है, तो अगर तमन्ना सच्ची है तो हो सकता है, अगर तमन्ना झूठी है सुपरफिशियल है तो हो सकता नहीं है। इसलिए साथियों तो इस आधार पर मैंने आपसे कहा कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करके तब हम राजनीति में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ही मैंने ये बात शुरू की, लेकिन मुझे लगा कि अभी हो शक्ति नहीं है, इनका मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। हो शक्ति की लहर मजबूत है और आज तो इतनी मजबूत है कि आज तो मैं काफी कुछ करने के बावजूद भी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई महाराष्ट्र में हो शक्ति नहीं की लहर का मुकाबला करने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है कि जो मुझे सुनने वाले हैं ये सोचते होंगे कि भाई जो हो शक्ति नहीं की लहर बन गई है महाराष्ट्र में तो इसको
छोड़ना चाहिए। ज्यादा तो नहीं सोचते होंगे, ज्यादा तो नहीं सोचते होंगे। क्यों नहीं सोचते होंगे? क्योंकि वो भी होश शक्ति नहीं से प्रभावित हैं। आज भी जो मेरे सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो ज्यादा क्यों नहीं सोचते हैं? आप लोगों ने एजेंडा रखा मेरे सामने अपना, आप लोगों ने मेरे सामने अपना एजेंडा रखा है। उस एजेंडे से मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक प्रभावित हैं होश शक्ति नहीं लहर से, जो बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में चल रही है, उसके प्रभाव के कारण आप ऐसा एजेंडा बनाते हैं। जो मैंने एजेंडा बनाया होश शक्ति का एजेंडा, तो मैंने जब लोगों को तैयार किया, जब मुझे लगा कि भाई ये चमचों के चमचे मुझे कामयाब नहीं होने देंगे, बड़े बड़े अधिकारी होश शक्ति लहर कामयाब नहीं होने देंगे, तो मैंने साधारण लोगों को पकड़ा, समाज को पकड़ा, समाज को रजामंद किया कि भाई आप अगर इस लहर को बनाना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, हुनर होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपकी चाहत है कि होश शक्ति की लहर बनानी है तो आप मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप मुझे मीटिंग में बुलाते हैं तो तालियां बजा के चले जाते हैं। सिर्फ तालियां बजाने से तो होश शक्ति की लहर नहीं बन सकती, इसलिए आप मुझे किसी मीटिंग में बुलाते हैं तो मेरी मीटिंगें खरीदना शुरू करो। तो पहले मेरे वजन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 12-12 हजार में हर रोज मेरी एक मीटिंग कोई ना कोई जगह के लोग खरीदते थे। ऐसे 100 मीटिंगें मैंने 12-12 हजार में बेची तो 12 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। और फिर मैंने कहा कि यार आखिरी वक्त पर एक एक दिन में 3-3 मीटिंग मेरी बिकती थी, तो मैं बोला भाई 3 मीटिंग बिकती हैं तो आप मुझे 36 हजार रुपया देते। अब 36 हजार तो मेरी, इसलिए मेरी मीटिंग आप 52 हजार, मेरी 52 साल मेरी उम्र हो गई है, वेट के हिसाब से नहीं, अभी मेरी उम्र के हिसाब से खरीदो। तो पहली मीटिंग मेरी जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 52 हजार में बिकी। मैंने बोला कि 52 हजार रुपया, 52 हजार लोग सामने होने चाहिए और 3 हजार लोग बाईसाइकिल पर आए। तो इस तरह से एक सोच बनाकर उसको बढ़ाना शुरू किया। और मैंने उनसे कहा कि भाई एक तो इलेक्शन नजदीक आ रहा है और तुम लोग धीमी गति से चल रहे हो, तो अगर 12-12 हजार में मेरी मीटिंग करोगे तो कई साल लग जाएंगे, इलेक्शन तो निकल जाएगा। तो 89 का इलेक्शन आया, 89 के इलेक्शन में हमारी और कांग्रेस की टक्कर थी और कांग्रेस को हम, जो हमेशा जीता करती थी, हर इलेक्शन जीता करती थी, तो मैंने इलाहाबाद में खुद खड़ा होकर कांग्रेस को हराया। खुद तो नहीं जीता लेकिन कांग्रेस पार्टी को हराया। उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगंडा था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत कुछ किया है। हम कहते थे कि कांग्रेस ने नहीं, ये फुले शाहू अंबेडकर ने किया है, तो इसलिए इनकी लहर को हम बढ़ाना चाहते हैं, अपना के चलना चाहते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी को 92 हजार 92,000 वोट इलाहाबाद में पड़े और मुझे 86,000 पड़े, वीपी सिंह को 2,01,000 पड़े,
तो उस वक्त कांग्रेस हार गई, तो उसके बाद कांग्रेस ने प्रोपेगंडा बदला कि ये लोग अब कांग्रेस को हराने लायक तो बन गए हैं लेकिन जीतेंगे कभी नहीं, ये अंबेडकर को मानने वाले हैं, अंबेडकर खुद कभी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका, खुद कभी लोकसभा में नहीं पहुंच सका, तो इसलिए और इनके लोग अंबेडकर के लोग छोड़कर तो आज कांग्रेस के चरणों में हैं, आज तो बापू के पास पहुंच गए हैं बाबा वाले, तो इसलिए ये लोग कामयाब नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त तक मैंने 42 लाख रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया था, 89 का चुनाव मैंने 42 लाख रुपए से दिमाग और हुनर लगाकर हमने 2 एमपी जिताए और 15 एमएलए और 6% से ज्यादा वोट लेकर पार्टी को मान्यता प्राप्त की। तो इस तरह से उसके बाद आज तक कांग्रेस ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कह सकी है। पहले वो कहती थी कि ये आखिर जीती तो कांग्रेस ही है, उसके बाद जब कांग्रेस को हराने लायक हम बन गए तो फिर उन्होंने कहा कि ये वो भी 89 तक कि इनका खाता नहीं खुलेगा। हमने 2 एमपी जिताकर पार्लियामेंट में खाता खोला और 15 एमएलए जिताकर असेंबली में खाता खोला, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके हमने राजनीति में हम आगे बढ़े, और जब राजनीति में आगे बढ़े तो आज मैं 4-5 सूबों में सरकारें क्यों बनाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमें महाराष्ट्र की लहर का मुकाबला करना है तो हमें कई सूबों में सरकारें बनाना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा बहुत खर्च होने लगा है, हर पार्टी बाबा बाबा करने वालों को खरीदती है। अब मैं सोच रहा हूं कि हमें भी इनको खरीदना होगा, हमें भी इनको खरीदना होगा तो हमें भी पैसा बनाना होगा। अब पैसा बनाने के लिए हमें लगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी मैंने बताया कि 5 यूनिवर्सिटी बनाई, हर यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ से ज्यादा जगह एक्वायर की तो पैसा लगा, 11,524 गांव अंबेडकरी गांव बनाए, 9,500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का और 9,500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का, 19,000 करोड़ रुपया लगाकर हमने 11,524 गांव अंबेडकरी गांव बनाए। आप लोगों ने इधर कोई ना कोई सुना होगा, बनाते होंगे कि क्या बनाया भाई, अंबेडकर भवन बनाया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में सरकार आ गई तो हम लोगों ने 11,524 अंबेडकर भवन बनाए, 11,524, क्योंकि अंबेडकरी गांव का जो प्रोविजन है वो 11 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें एक पॉइंट भी है कम्युनिटी सेंटर का, तो कम्युनिटी सेंटर का नाम हमने अंबेडकर भवन रखा। तो इसलिए एक एक एकड़ में एक एक अंबेडकर भवन बनाया, पैसा तो लगा लेकिन पैसा आया कहां से, सरकार का पैसा लगा। हम लोगों ने अंबेडकर मेला, परियार मेला, शाहू मेला, कुल्ले मेला, ये मेले जो सरकार लगाती है, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से मेले लगाती थी, जो भी सरकार आती थी, सबसे 50 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ के मेले पे लगाती थी, कुंभ का मेला कभी हरिद्वार में कभी इलाहाबाद में। हमने कुंभ को खत्म किया, हमने ये मेले शुरू कर दिए, अंबेडकर मेला, फुले मेला, शाहू मेला, परियार मेला, तो और परियार मेला से हमारी सरकार भी गिर गई क्योंकि परियार उनको सबसे बुरा लगा,
तो इसलिए हमने सोचा कि अगर तुम्हें सबसे बुरा लगता है हमें सबसे अच्छा लगता है, तो इसलिए तो उसमें कोई बात नहीं, हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे तो उधारी सरकार तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, फिर भी काफी कुछ किया हमने। और जो 26,000 करोड़ रुपया हमारे पास बजट था उसमें से 17,000 करोड़ रुपया हमने तो ये सब काम करने में खर्च किया। इसलिए साथियों तो हमने अपना एजेंडा जो बनाया तो उसमें पहले लोगों से मैंने तैयार किया, थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके 12,000 में एक मीटिंग खरीदी, 52,000 में, 1,00,000 में, ऐसा करके जल्दी जल्दी हमने 42,00,000 रुपया इकट्ठा करके 89 में 2 MP और 15 MLA बनाए। तो मैं क्यों कहता हूं कि आप लोगों का एजेंडा देखकर मुझे लगता है कि आप इस लहर को लहर को काउंटर कर नहीं सकते हैं। काउंटर करने के लिए तो आपको शरद पवार का मुकाबला करना होगा। शरद पवार के बाद बहुत पैसा है तो ये अम्बेडकरी लोगों पे खर्च करता है, फिर माई के पास भी पैसा है, माई के पास भी पैसा है वो भी लगाती है आप लोगों के ऊपर, और अब गुरु वालों के पास भी है, गुरु गोलवालकर के चेलों के पास भी पैसा बहुत है। तो इसलिए तो पैसे वालों का मुकाबला आपको ऐसा लगता है कि पैसे वाला ही कर सकता है। अगर आपके ऊपर पैसा लगाना है तो हमें सरकारें बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने पैसे से आपको खरीदना बड़ा मुश्किल है, तो सरकार के पैसे से ही ये लहर का मुकाबला करना होगा। इसलिए साथियों तो मैं आप लोगों ने हमेशा मेरी मीटिंग लेते हैं कि अब हम, ये तो खुशी की बात है कि आप लोग तो समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम अगर जल्दी करने हैं तो उसके लिए वैसे रास्ते ढूंढने होते हैं। हम लोगों ने वो रास्ते ढूंढे और कुछ करके दिखाया है, लेकिन इतनी जबरदस्त नहीं लहर चल रही है महाराष्ट्र में, उसका मुकाबला अब 100-100 रुपया इकट्ठा, हालांकि 100 रुपया भी ज्यादा है अपने लोगों के लिए, लेकिन 100-100 रुपया इकट्ठा करके कैसे हो सकता है? या तो 100-100 रुपया लाखों लोग इकट्ठा करें तो करोड़ों पर पहुंचे, या तो लाखों लोग करें, लेकिन आप मुझे लिस्ट बताते हैं कि ये इतने हो गए, 500, 400 हो गए, 500 हो गए, अब करोड़ों लोगों को तैयार करना होगा आप लोगों को इस लहर को, लहर को काउंटर करने के लिए। इसलिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, ये काम भी मुझे ही करना होगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि सरकारें बनाकर आप लोगों को खरीदना होगा, बोली लगाएंगे शरद पवार के सामने कि भाई अम्बेडकर वाले बिक रहे हैं, शरद पवार खरीद रहा है, बाप माई बाप पार्टी खरीद रही है, माई भी खरीद रही है, बाप भी खरीद रहा है, और उसके बीच में BSP भी आ गई है। तो इसलिए या तो आप लोगों को बिकने से रोकना होगा, जैसा उत्तर प्रदेश में मैंने उत्तर प्रदेश में हमारे अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया, ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए ये एक आदमी बैठा है इधर, बोरकर खड़ा हो जाओ, आप इधर प्रचार क्यों नहीं करते कि 4,200 किलोमीटर साइकिल चलाकर कांशीराम ने कौन सा प्रचार किया था, तो भी बीच बीच में था ना, पूरा था, पूरा इसने तमाशा देखा है, लेकिन महाराष्ट्र वालों को खबर नहीं दी है,
महाराष्ट्र वालों को खबर तक नहीं, कानो कान खबर नहीं दी इसने। ये जाता है तो कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश। जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उनका काम इंस्पेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन महाराष्ट्र वालों को ये नहीं बताता है कि कांशीराम ने कैसे अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया है। और ना बिकने वाले समाज का प्रूफ होता है, जो बिकने वाला है उसका हाथ ऐसा होता है। दलित, आप लोग दलित तो बहुत हैं, हाथ ऐसा है, लेकिन जो ना बिकने वाला है उसका हाथ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा करोड़ों लोगों से हमने लिया है, लाखों से नहीं, करोड़ों से। करोड़ों लोगों ने पैसा दिया है। जैसे अभी 99 में चुनाव हुआ, 99 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 85 पार्लियामेंट की सीटें हैं, 85 उम्मीदवार हमने खड़े किए। हर उम्मीदवार को ऊपर हमने 5-5 लाख रुपया खर्च किया, 85 उम्मीदवारों के ऊपर 5-5 करोड़ रुपया, ये तो करोड़ों रुपया हो गया। और 85 के ऊपर लगभग 4-5 करोड़ रुपया खर्च करके उनमें से 14 को जिताया, 16 दूसरे नंबर पर, 35 तीसरे नंबर पर। और ये तीनों को मिलाकर 65 उम्मीदवारों को 1,30,00,000 वोट पड़ा। 65 उम्मीदवारों को 1,30,00,000 वोट पड़ा और बहुजन समाज पार्टी को जितना सीपीएम को पूरे इंडिया में वोट पड़ा उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पड़ा। ये कैसे हुआ? समाज को ना बिकने वाला समाज बनाकर। यही नहीं, इस साल हमारे 11 लाख वर्कर हैं जिन्होंने बूथ संभाले हैं, तो 11 लाख वर्कर ने चुनाव के दिन मेरे अपील पर उन्होंने फास्टिंग किया। जिस दिन आप लोग मुर्गम मसल्लम खाते हैं, जिस दिन आप लोगों के भाई झोंपड़ों में दारू पीते हैं, कच्ची दारू पीते हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश में आपके भाइयों ने, 11 लाख वर्कर ने फास्टिंग किया। ये 6 बजे सुबह उन्होंने खाना खाना है, 6:30 बजे ड्यूटी पे चढ़ जाना है और 5 बजे तक, जब तक चुनाव खत्म नहीं होता तब तक ड्यूटी पे रहना है, बूथ पे बूथ संभालने हैं और फिर पेटियों को ले जाना है। वो सारा कुछ करने के बाद अपने घर में आकर अपना खाना खाना है। कैंडिडेट का 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट का चुनाव के दिन 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट को लड़ाने के लिए 5-5 लाख रुपया तो जो लड़ाने वाली कमेटी है वो लगाएगी। तो इसलिए समाज को ना बिकने वाला समाज बनाना कितना जरूरी है। और कैसे मैंने ये लहर शुरू की, उसमें हमारा एक गवाह इधर बैठा है जो महाराष्ट्र वालों से छुपाता है इस बात को, महाराष्ट्र वालों से छुपाता है बिल्कुल। उनको मालूम है कि चारों तरफ बिक रहे हैं, अब ये लोग बिकने वाले तो मेरी चटनी बना देंगे अगर मैं अकेला उनको कहूंगा कभी ना बिको भाई। तो इसलिए तो ना बिकने वाला समाज बनाकर और समाज को करोड़ों लोगों को तैयार करके थोड़ा थोड़ा साधन हमें निर्धन समाज की मूवमेंट को अगर चलाना है, कामयाब बनाना है, धनवानों की पार्टियों से मुकाबला करना है, तो हमें अपने रास्ते ढूंढने होंगे।
हमने सबसे पहले रास्ता ढूंढा कि हमें अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाना है और अपने नेताओं को ना बिकने वाले नेता बनाना है। ये सबक मैंने यूपी से सीखा था, यहां नहीं, क्योंकि यूपी में जब मैं गया तो लोग, बहुत लोग मेरे दफ्तर में आते थे। मैं पूछता था कि भाई आप मेरे पास क्यों आते हो, वो बोलते कि भाई हम पहले बीपी मौर्या के चेले थे लेकिन अब वो हम उनके साथ चलते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। रास्ते में एक चौराहा आया, उस चौराहे से उसने लाइन बदल दी तो फिर हम उस चौराहे पे खड़ गए, हम उसके पीछे नहीं गए। तो हम चौराहे पे खड़े हुए लोग हैं, चौराहा समझते हैं ना, इधर से दो सड़कें मिलती हैं, तो उस चौराहे पे खड़े हुए हम लोग हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। कहा भाई ये हमारे, तो बहुत उनसे पता चला कि भाई हमारे नेता ये ऐसे बिका वो ऐसे बिका। मुझे उससे लगा कि भाई नेता बिकता है, और किसी जगह मैंने पढ़ा उसी समय कि पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व, लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं, लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। चोरों का नेता कौन होता है, चोरों का नेता कौन होता है जिसके बारे में चर्चा होती है कि बहुत बड़ा उस्ताद है, दोनों जेबें काट गया और पता भी नहीं चला, उसको वो नेता मानते हैं, ये बड़ा उस्ताद आदमी, मैं तो यार उधर पकड़ा गया उधर पकड़ा गया, लेकिन ये जो है। और इसलिए तो जो जिस किस्म के लोग होते हैं वैसे उनका उनके नेता होते हैं। इसलिए पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। इसलिए अगर हमें ना बिकने वाले नेता चाहिए, हमें ना बिकने वाला समाज पैदा करना होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ये हो शक्त नहीं। क्यों भाई, ठीक है ना, हो शक्त नहीं। जब ये हो शक्त नहीं है तो इस लहर को काउंटर करना है तो ये आसान काम नहीं। तो इसलिए ये बेचारे करते हैं कि देखो अभी हमने केडर बना लिया, ये किया वो किया, मेरी रिपोर्ट सुनो। अब मैं तो सुनाने वाला आदमी हूं आज, तो अभी क्या सुनूंगा मैं, ये तो सारी चीजें मैं हजम कर चुका हूं। कभी तो महाराष्ट्र में ये 100-100 रुपया इकट्ठा करके, ये कोई 100-100 रुपया ठीक है, अगर आप मानो 10 लाख लोगों से कर लिया इकट्ठा 100-100, फिर तो काम आ जाएगा, लेकिन अभी तो लाख पर नहीं पहुंचे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। और इससे तो लहर जो चल रही है, इस लहर को आप काउंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस लहर को तो मुझे ही काउंटर करना होगा करोड़ों रुपया खर्च करके। माई और बाप, आपकी माई और आपका बाप जो आज खरीददार हैं, या आपका गुरु इधर नागपुर वाला गुरु गोलवाल करके भी गुरु है ना आगे, उसकी भी एक लहर है, उनके पास भी बहुत पैसा है, तो उनकी टक्कर का पैसा हमें महाराष्ट्र में खर्चना होगा और तब शायद इस लहर को हम काउंटर कर पाए। इसलिए साथियों, तो आप लोगों ने मुझे प्रोवोक करके, मैं अंडर प्रोवोकेशन बात कर रहा हूं। प्रोवोकेशन क्या है कि ये कछुए की चाल ऐसा ऐसा, और कछुए की चाल ही नहीं, जब थोड़ा खतरा नजर आया तो अपनी गर्दन भी अंदर कर ली। कछुआ जो है अगर उसको सामने को खतरा नजर आता तो गर्दन भी अंदर कर लेता, हाथ पैर अंदर करके सेफ हो जाता है। एक सेफ स्पीड से आप लोग चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं कछुए की चाल ही चल रहे हैं, तो उसकी सराहना करते हुए, लेकिन जिस चाल को तेज करके, और खासकर अभी मेरा लक्ष्य है कि
जिन सूबों में मैंने 5 सूबों में मान्यता प्राप्त करके पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया है, अब उन सूबों में मुझे 6% से वोट को ज्यादा बढ़ाकर तो वहां सरकारें बनाने की कोशिश करनी है, और सरकारें बनाकर ही हम इस देश के हुक्मरान बन सकेंगे। देश के हुक्मरान, देश कोई आसमान से नहीं गिरता है, प्रदेशों से देश बनता है। तो जिस तरह से बाकी पार्टियों की सरकारें किसी न किसी प्रदेश में बनकर मूवमेंट उनकी आगे बढ़ी है, तो इस तरह से अब मेरा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए 4 प्रदेशों में सरकारें बनाकर, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें बनू शक्त है, सरकारें बनू शक्त है, सिर्फ मुझे रास्ते ढूंढने हैं। और मेरी पूरी मैं पूरा मानता है मेरी कि अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, अगर तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। जिसकी तमन्ना झूठी है उससे बढ़िया बहाना किसी को नहीं मिलता है, जिसकी तमन्ना सच्ची है उससे बढ़िया रास्ता किसी को नहीं मिलता है। तमन्ना को सही करके, सच्ची करके अब हमें 5 सूबों में सरकारें बनाने का लक्ष्य हमारा है, उसकी तरफ मुझे बढ़ना है। लेकिन बीच बीच में मैं महाराष्ट्र में भी आता रहूंगा, जैसे मैं कल आया हूं, आज इधर आपके बीच में हूं, और 5 तारीख को मैं फिर, आप लोगों ने कस्तूरचंद पार्क बुक किया है, एक जो घटना की बात आप लोग करते हैं और घटना से शिल्पकार की बात आप लोग करते हैं, तो उस बात के संबंध में, उस शिल्पकार के संबंध में, उस घटना के संबंध में अपने ख्याल रखने के लिए मैं 5 नवंबर को आ रहा हूं, और 6 दिसंबर को बाकी देश भर से लोग जो जीपे लेकर प्रचार करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, तो आप लोग भी उसके बाद चंद लोग दिल्ली पहुंचेंगे। तो इस तरह से अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसके दौरान मैं बॉम्बे तो काफ़ी आता जाता हूं, क्योंकि ये एक और समय लगेगा वो और बात बताने के लिए, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बातें जो मुझे करनी है वो 5 तारीख को कस्तूरचंद पार्क में, जो आप लोगों ने पब्लिक मीटिंग रखी है, उस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे, और उस दिन अपनी बात रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। और अब मैंने जो ख्यालात आपके सामने रखे हैं उनके बारे में आप लोग ज़रूर सोच विचार करें, क्योंकि सोच विचार करने से अगर आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा कर सकें। महाराष्ट्र में हो शक्त नहीं, लहर को काउंटर करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, अगर कोई कोशिश कर रहा है वो इतनी कमज़ोर कोशिश कर रहा है कि लहर का मुकाबला, लहर के सामने वो बहता जा रहा है, लहर चलती जा रही है, हो शक्त नहीं, उसके सामने हो शक्त वाला कोई टिकता ही नहीं। तो इसलिए आप लोग अपनी कोई सोच विचार करके अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश करें, ऐसी मैं आपसे अपील करते हुए आपसे विदा लेता हूं। अगले प्रोग्राम के लिए मैं काफ़ी लेट हो गया हूं, लेकिन जैसा तैसा करके उसको भी अटेंड करेंगे, इसलिए साथियों मैं इस अपील के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।